पंजाब नेशनल में हुए 11,400 करोड़ रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है, जहां एक और बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि ये घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ और हमारी सरकार के वक्त खुलासा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे सीधे पीएम मोदी से जोड़ दिया। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि नीरव मोदी को पीएम मोदी के साथ दावोस में देखा गया था। राहुल ने लिखा कि भारत को लूटने का तरीका नीरव मोदी ने समझाया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को गले मिलो, दावोस में पीएम मोदी के साथ दिखो भी, देश के 12,000 करोड़ रुपए चुराओ और विजय माल्या की तरह देश से पैसे लेकर भाग जाओ। इस दौरान सरकार सिर्फ मुंह देखती रह गई। राहुल ने अपने ट्वीट में एक हैशटैग का इस्तेमाल किया है जिसमें लिखा है फ्रॉम वन मोदी टू अनदर, यानी एक मोदी से दूसरे मोदी तक की कहानी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।